वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9 गुजराती एंड पोएम नंबर 16 गोकुल माँ आओ तो। कवि का नाम है माधव रामानुज एंड ये जो है एक साहित्य प्रकार है इसका, दैट इज गीत है। जो किताब है, जो पुस्तक है, उसका नाम है तमे। तो तमे नाम की बुक में से गीत लिखने वाले कवि माधव रामानुज एंड पोएम नंबर 16 गोकुल माँ आओ तो स्टैंडर्ड 9 गुजराती। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका गुरु महेंद्र जोशी शुरुआत करते हैं। गोकुल माँ आओ तो माधव रामानुज के द्वारा लिखा गया है। माधव ओधवदास रामानुज, जन्म अहमदाबाद जिला पश्चिम गांव में हुआ। CNA फाइन आर्ट्स के अंदर अध्यापक के हिसाब से और प्रिंसिपल के हिसाब से उसने बहुत अच्छा काम किया और उसने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसके अंदर से तमे जो है ये पुस्तक में से हमें आज की ये पोएम यानी कि गोकुल माँ आओ तो ये हमें पोएम मिली है। आ गीत जो है वो राधा का प्यार पत्र है। भगवान श्री कृष्ण को सब जानते हैं एंड भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श प्रेम की परिभाषा है और वो प्रेम की परिभाषा के एक दूसरा पहलू है, दैट इज राधा एंड पहला पहलू है उसका नाम है कृष्ण। तो यहाँ पर राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा है। उस पत्र को ध्यान में रखकर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन माधव जी ने किया है, इसलिए इसका जो साहित्य प्रकार है दैट इज गीत है। क्या लिखा है इसमें कि गोकुल माँ कोकवार आवो तो कान, गोकुल माँ कोकवार आवो तो कान, हवे राधा ने मुख ना बतावशो। कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर वापिस से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला हर जगह पर की, जन्म उसका मथुरा के अंदर जेल के काल कोठड़ी में हुआ, पिताजी ने उसको लेके गए अपने मित्र यानी कि यमुना नदी के उस पार गोकुल के अंदर, एंड फिर जब बड़े हुए तो मामा के कष्टों से दूर करने के लिए पिताजी को और माताजी को मुक्त दिलाई और वापस से नाना जी को अपना राज्य दिलाया, इसके लिए वो मथुरा गए भगवान श्री कृष्ण, एंड फिर हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के बाद गुजरात के अंदर द्वारिकाधीश कहलाए, द्वारिका नगरी का राजा बनकर। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अलग अलग जगह पर घूमते गए, पर जब भी जहाँ से भी जाते भगवान श्री कृष्ण हर किसी को कहते मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। सब जानते थे कि ये वापस नहीं आने वाले हैं एंड फिर भी एक उम्मीद बनी रहती थी कि आएंगे आएंगे आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे कान्हा ने कहा है, मेरे लाला ने कहा है, मेरे मुरलीधर ने कहा है, इसलिए जरूर वापस आएंगे। और वही एक उम्मीद यहाँ पर राधा जी भी लगा के बैठी है कि गोकुल माँ आओ तो कान, तमे राधा ने मुख ना बतावशो। यहाँ पर मीठा सा प्यार और तकरार बताया गया है। राधा जो है चाहती है मैं तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूं। ऐसा कहा जाता है कि हे कृष्ण, तू जो है वो शायद मुझे भूल गया होगा, पता नहीं, पर मैं तो तुझे कभी नहीं भूल पाई, क्योंकि मैं तुझे तो गोकुल का हर एक पत्ते पत्ते के अंदर मेरा कृष्ण उसकी यादें समाई हुई है। पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा तिरस्कार और थोड़ा सा प्यार यहाँ पर रजू किया है राधा ने कि वे राधा ने मुख ना बतावशो, गायो नु धन ले गोवर्धन जाओ भले। गायो नु धन, धन का मतलब होता है गायों का जो पूरा समूह होता है उस ग्रुप को धन कहते हैं। गोवर्धन पर्वत जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी टचली उंगली से उठाया था, तो यहाँ पर राधा कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर गोकुल में आओ तो आप गायों को लेकर गोवर्धन पर्वत पर जाओ, पर हाँ आप यमुना के कांठड़े ना आवशो, यमुना के किनारे मत आना, क्योंकि वहां पर मैं रहूंगी और मैं शायद पता नहीं आपको क्या बोल दूं। तांदुलनी पोटली ने पूनमनी रात भले बांधी आवो गोकुल माँ। आपके मित्र सुदामा जी जब आपको मिलने आए था द्वारका नगरी के अंदर, उस वो तांदुल की पोटली लेके आए थे और वो जो मित्र है उसका भाव समझने वाला हमारा भगवान श्री कृष्ण, कहने का मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि वो कृष्ण जिसको मैंने प्यार किया था, वो कृष्ण जिसको मैंने समझा था, एहसास लिया था, शायद वो तुम कृष्ण नहीं हो, क्योंकि कृष्ण तो वो था जो हमारे दुख दर्द को अपने से भी ज़्यादा समझता था। कृष्ण वो था जिसको मित्र को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम आओ और मुझे मदद करो। शायद वो कृष्ण हमारा होता द्वारिका नगरी का राजा तो दुख दर्द आए उससे पहले ही सुदामा के पास पहुँच जाता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तांदुलनी पोटली ने पूनमनी रात भले बांधी ने आओ गोकुल माँ, अडवाणे नहीं दौड़े कोई अहीं। पहले जब आप इधर रहते थे
तो यहां पर अडवाणे नंगे पांव आपके पीछे लोग अपना सारा काम काज छोड़कर आपकी मुरली की मधुर आवाज को सुनने के लिए आपके पीछे नंगे पांव दौड़ के आते थे, पर अब नहीं आएंगे। वीरह ना राज नहीं जीतो गोकुल ना पर। अब यहां पर जो वीरह है, वीरह मतलब होता है दुख। वैसे विरह का मतलब होता है जब प्रेमी और प्रेमिका, भक्त और भगवान जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं मिलन, और जब एक दूसरे से अलग होते हैं और जो दुख का एहसास होता है दैट इज विरह। तो विरह ना राज नहीं जीतो गोकुल ना, समरांगण मा तमने तो शोभे हो श्याम। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई करवाई थी, वो कृष्ण हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा कृष्ण तो शांत प्रिय था, लोगों को हृदय को जीतता था, प्यार से जीतता था। अगर वो कृष्ण हमारा होता तो युद्ध तो होने ही नहीं देता। लिखा यहां पर कि सम्रांगण मा तमने तो शोभे हो श्याम, वगर हथियारे त्या तमे फावशो। यहां पर तो आप हमारे हृदय के ऊपर बिना हथियार, क्योंकि आपके पास तो सुरीला सा हथियार था मुरली, तो आपने कभी, हमने तो आपको हथियार चलाते देखा ही नहीं है। पांदड़े कदम ना पापण नहीं भाषा में। और ये सारी बातें जो राधा ने अपने मुख की, अपने हृदय की जो लागणी है, फीलिंग्स है, वो पत्तों के ऊपर, वो पत्ता कौन सा, कदम वृक्ष के पत्तों के ऊपर अपनी आई लेशिस यानी कि आंखों की जो पापण होती है उसकी भाषा में उसने यहाँ पर लिखा है। लखी लखी आंख हवे भरी ने जमना ना झड़मा। और वो लिख कर, वो पत्तों के ऊपर लिख कर राधा जी जो है वो वन बाय वन हरेक पत्ता यमुना नदी के पानी के अंदर बहा रही है। तक यमुना नदी के साथ साथ बहता 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 वो यमुना नदी जहाँ पर समुद्र को मिलती है वहां पर वो पत्ता पहुंचेगा। और वो जो समुद्र नदी के किनारे आई हुई द्वारिका नगरी है वहां पर जाके वो द्वारिकाधीश यानी कि हमारा जो माधव है उसको जाके देंगे। तो लिखा है कि जमना ना झड़ तमे देजो हाथो हाथ, माधव ने द्वारका ना दरिए। और लिखितन यानी कि लिखने वालों को कहते हैं लिखितन, राधा ना जाजा जुहार, मेरे राधा जो है तुम्हारी राधा ना ज्यादा ज्यादा बहुत सारे जुहार प्रणाम नमस्कार कहना, कि श्याम अनंत ना ओछुला। अंतर के अंदर थोड़ा सा भी ओछा मत रखना, ये तो क्या मेरी मन की जो भावना थी यथा थी, वो यहाँ पर राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि कोई एक बार आओ आप कान कृष्ण भगवान, तो इस राधा को अपना वापस से मुख मत बताना। ये गायों को चराने वाला जो धन है आपने भले गोवर्धन पर्वत ने उठाया हो, वो यमुना नदी के किनारे आप मत आना। आपने ये जो तांदुल की पोटली है वो आपने खाई होगी, पर यहाँ पर जो आपने अडवाणा, आपके पीछे जो नंगे पांव दौड़ने वाले जो लोग हैं वो शायद तक अब आपको यहाँ पर मिलने वाले नहीं है। वो तो कुरुक्षेत्र के अंदर आपने समरांगण के अंदर युद्ध किया होगा, पर आपने तो हमें यहाँ पर मूल्य की हथियार के द्वारा ये सबको जीता हुआ है। इस तरह से जो राधा जी है वो पांडरानी ऊपर आईलेशेस के ऊपर भाषा के अंदर लिख के भगवान श्री कृष्ण को अपने मन की बातें, मन की व्यथा बताना चाहती है कि मैंने भी आपको पत्र लिखा है, आपको याद होगा। और वो जो पत्ता लिख कर उसने नदी के अंदर यमुना नदी में डाला और यमुना नदी के साथ बहता बहता ये जो द्वारिकाधीश द्वारिका नगरी है वहाँ पर दरिया के पास पहुँचेगा, तो वहाँ पर राधा जी कहती है कि हे श्याम अपने अंतर में थोड़ा सा भी ओछा मत लाना, बुरा मत लगाना समझना। इस तरह से राधा जी का प्यार यहाँ पर व्यक्त किया गया है। समानार्थी शब्द है यहाँ पर धन मतलब गायोनु टोड़ू, तांदुल एक जातनु अनाज, आप चावल या फिर पीसे हुए जिसको हम पोहा कहते हैं दैट इज तांदुल, समरागण युद्ध का मैदान, जुहार यानी नमस्कार या फिर सलाम। ऑपोजिट शब्द है यहाँ पर विरोधी शब्द, रात का दिवस, दिवस का रात, विरह मिलन, मिलन का विरह, जाजू मतलब ज्यादा ओछू, रूढ़ी प्रयोग आंख भराए आवी आंखों में आंसू आवी जवा, अने गायों समूह धन यानी कि टोड़ू। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा का ये मीठा सा प्यार यहाँ पर व्यक्त किया गया है। MCQ है आपके सामने, श्री कृष्ण ने गोकुल माँ कोने मुख ना बतावानी ना पाड़ी छे, तो ऑप्शन है गायों ने, नहीं बिल्कुल नहीं, श्याम ने, राधा ने तो है नहीं, क्योंकि राधा जो है वो जो है वो यहाँ पर बोल रही है कि श्री कृष्ण ने गोकुल माँ कोने मुख नहीं बतावानू छे, तो कि राधा को आप अपना मुख मत बताना, तो कि श्याम का मतलब कृष्ण ही होता है, वो गायों को तो बिल्कुल नहीं, गोकुल वासियों को नहीं, परंतु यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल जो किया है कि अपना जो मुख जे छे ये राधा ने ना बताओ, राधा की कंप्लेन है, इसलिए यहाँ पर राधा वर्ड आएगा।
સમરાંગણમાં શ્રી કૃષ્ણને કઈ રીતે સફળ થશે હાથમાં હથિયાર લીધા વગર, મિત્રો સાથે લઈને કે હાથમાં હથિયાર લઈને સમરાંગણ કે અંદર, તો ઉસને યુદ્ધ કે અંદર હી સારી બાજી જીતી થી, એટલે વહાં પર સમરાંગણમાં તમે શોભો છો શામ, આપ વહાં પર હથિયાર કે દ્વારા, તો જબ આપ હમારે મિત્રો કે બીચ મેં આવોગે તો વગર હથિયારે, એટલે સમરાંગણ કે અંદર વડાયેગા હથિયાર લઈને। ગાયોનું ધણ લઈને શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં જશે? ગાયોનું ધણ લઈ અને ગોવર્ધન પર્વત તરફ જશે। આ કાવ્ય કોણ કોને લખે છે? તો આ રાધા શ્યામને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કો લિખતે હૈ। નાવ વન વર્ડ આન્સર્સ હૈ યહાં પર। શ્રી કૃષ્ણને ગોકુળમાં કોને મુખ બતાવવાની ના પાડી છે? તો કે રાધાને। સમરાંગણમાં શ્રી કૃષ્ણ કઈ રીતે સફળ થશે? તો હાથમાં હથિયાર લીધા વગર। ગાયોનું ધણ લઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં જશે? તો ગોવર્ધન પર્વત તરફ જશે। આ કાવ્ય કોણ કોને પત્ર લખી રહ્યું છે? રાધા શ્રી કૃષ્ણને, શ્યામને। શ્યામ ગોકુળમાં આવે તો કોને મુખ ના બતાવવાનું એમ રાધાએ કહ્યું છે? તો કે રાધા કો મત બતાના। ગાયોનું ધણ લઈ અને કોને કાંઠે આવવાની વાત રાધા કહે છે? તો કે જમના નદીના કાંઠે આવવાની વાત કહી છે। પૂનમની રાતે શાની પોટલી બાંધી અને ગોકુળમાં આવવાનું કહે છે? તો કે તાંદુલની પોટલી। શ્રી કૃષ્ણનું શાનું રાજ ગોકુળમાં જીતી શકશે નહીં? તો કે વિરહ। વિરહ મતલબ હોય તો દુઃખ કા રાજ। વિરહ વગર હથિયારે કૃષ્ણ ક્યાં શોભી રહે છે? તો કે સમરાંગણની અંદર। ક્યાં પાંદડા પર રાધાએ કૃષ્ણને પત્ર લખ્યો હતો? તો કે કદમ વૃક્ષના પાંદડા પર। રાધા કઈ ભાષામાં શ્રી કૃષ્ણને કાગળ લખે છે? તો કે પાપણની ભાષામાં। રાધા જમનામાં જળ કેવી રીતે આપવાનું કહે છે? તો કે હાથોહાથ, હેન્ડ ટુ હેન્ડ ડિલિવરી કરના હૈ। શ્રી કૃષ્ણને હાથોહાથ જળ ક્યાં આપવાની વાત કરે છે? તો કે દ્વારિકા જો દરિયા હૈ વહાં પર। પત્રના અંતમાં રાધા કૃષ્ણને શું ઝાઝાનું પાઠવે છે? તો કે જુહાર। જુહાર કે મતલબ નમસ્કાર, નમન, પ્રણામ। રાધા શ્રી કૃષ્ણને શેની ના પાડે છે? તો કે અંતરમાં, એટલે મન કે અંદર બિલકુલ ભી આપ ઓછું, મતલબ આપ બુરા મત માનના એસા બતાના ચાહતે હૈ। નાવ લોંગ આન્સર હૈ આપકે પાસ કે ગોકુળમાં આવો તો આ કૃતિ યાની કે આ કાવ્યમાં રાધા કૃષ્ણને અંતરમાં ઓછું ન લાવવાની વાત કેમ કરે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોકુળ છોડી અને દ્વારકા ગયા છે। રાધાને આ વાતથી બહુ દુઃખી છે, નારાજ છે, અને આથી અહીંયા પોયમ લખાય છે કે પોતાની નારાજગીની વાચા મતલબ વાણી આપતો આ એક પત્ર છે જે શ્રી કૃષ્ણ લખે છે। એમાં રાધા જણાવે છે કે તમે દ્વારકાથી ગોકુળ આવો તો તમારું મુખ મને નહીં બતાવતા, ગાયો ચરાવવા જાઓ ગોવર્ધન પર કોઈ યમુના નદીને કિનારે નહીં આવતા, પૂનમની રાત્રે તાંદુળની પોટલી બાંધીને ભલે આવો તો ગોકુળમાં આવે પણ અમારી સામે મળવા અમે તમને દોડીને આવશું નહીં। રીસ મતલબ રૂઠમાં, રૂઠી જાતી હૈ, રૂઠ જાતી હૈ। રીસમાં આવેલી વાત લખ્યા પછી રાધાને લાગે છે કે આટલા આટલા બંધનોથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કદાચ નારાજ થઈ જશે। આથી વળી પાછી આગમ ચેતી મતલબ એડવાન્સ મેં સોચ કર, હે ને, એડવાન્સ પ્રોટેક્શન લેકર વો બોલતી હૈ કે રાધા શ્રી કૃષ્ણને જણાવે છે કે આ વાંચી અને આપ હે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મન કે અંદર અંતર મેં બિલકુલ ભી ઓછું મતલબ દુઃખી મત હોના, ઓછું ન લાવતા મતલબ દુઃખી મત હોના। રાધા શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે નારાજ કરી શકે છે? આમ રાધા શ્રી કૃષ્ણના પ્યાર કા યહાં પર બહુત હી ખૂબસૂરત તરીકે સે વર્ણન કિયા ગયા હૈ। શબ્દ સમૂહ યહાં પર યુદ્ધનું મેદાન કો સમરાંગણ કહેતે હૈ, નમસ્કાર આખરી પ્રણામ કો કહેતે હૈ જુહાર, ગાયોના ટોળાને ધણ કહેતે હૈ સમાનાર્થી। કાન કા મતલબ કૃષ્ણ, જુહાર કા મતલબ નમસ્કાર, રાત મતલબ રજની, આંખ મતલબ લોચન, હાસ્ય મતલબ હાથ મતલબ હસ્ત, દરિયો મતલબ રત્નાકર સાગર કહે શકતે હો। ઓપોઝિટ રાત દિવસ, દિવસ રાત, વિરહ મિલન, મિલન વિરહ, જાજુ ઓછું, ઓછું જાજુ, જવું આવું, આવું જવું, રૂઢિ રહ્યું ગયા। આંખ ભરાય આવી મતલબ આંખમાં આંસુ આવી જવા। તો ઇસ તરહ સે આપકી ખૂબસૂરત સી પ્યારી સી પોયમ, इसका नाम था गोकुल में आओ तो। धन्यवाद। आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो, मैं ज़्यादातर ये हिंदी में बोलता बिकॉज ऑफ क्या है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर काफ़ी सारी जाति के जो लोग हैं, जैसे राजस्थानी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, बहुत सारे गुजरातियों को भी सही तरह से गुजराती के अंदर प्रॉब्लम होता है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो समझाने का जो तरीका होता है वो मेरा गुजराती में ही रहता है, पर समझ में आने के बाद आप बहुत ही ईजिली आप इसको लर्न कर सकते हो। जो भी वर्ड आपको नहीं समझ आता आप वापस से उसको रीराइट करो, वापस से पढ़ो, समझो एंड लिखो, क्योंकि मोरल अगर आपको समझ में आ जाता है इस पोएम में क्या है तो आप अपने ओन वर्ड में भी आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने मित्रों को ये जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा लगा हो तो आप मुझे थैंक्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।